कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि कल कांग्रेस में शामिल हुए थे इमरान मसूद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिवर्तन का माहौल है, तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। कब्र में जाने के बाद भी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, इमरान मसूद ने देखिए बड़ा बयान दिया, कहा कि कब्र में जाने के बाद भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बड़ा बयान है जो कि हाल ही में बसपा को छोड़कर अभी कल कांग्रेस में शामिल हुए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिवर्तन का माहौल है, ऐसा इमरान मसूद ने कहा है। तो बता दें कि कब्र में जाने के बाद भी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, ऐसा इमरान मसूद ने कहा है। 2022 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा में शामिल हुए, इसके बाद बसपा में जाने के बाद फिर से कांग्रेस में शामिल होने के बाद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। खबर लखनऊ से है जहां विधवा महिला से रेप मामले पर नहीं हुई है गिरफ्तारी, दुष्कर्म के बाद आरोपी युवक ने की थी शादी करने की बात। तो ये खबर लखनऊ से है जहां पर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, इसके बाद गिरफ्तारी नहीं की जा रही, पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। तो न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के स्थित फरीदीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रेन से कटकर युवक की मौत, बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है, मजदूरी करने निकले युवक की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक मजदूरी करने के लिए निकला था, ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया था युवक, जिसके बाद उसकी कटकर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। सैरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर मजदूरी करने जा रहा है युवक ट्रेन की चपेट में आया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया, बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं जहां पर बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है, बिजली कनेक्शन काटने के बावजूद थमाया बिल। कहा जा रहा है कि बिजली कनेक्शन काटने के बावजूद भी बिल थमा दिया गया है, डेढ़ साल बाद ग्रामीण को थमाया गया है बिल। तो खबर संभल से आपको बता रहे हैं जहां पर बिजली कारनामा सामने आया, 30,000 का बिल मिलने पर ग्रामीण के उड़े हैं होश। ग्रामीण ने उच्च अधिकारियों को दिया है शिकायती पत्र, बताया जा रहा है कि बिजली कनेक्शन काटने के बाद भी बिजली बिल आया, जिसको लेकर ग्रामीण ने शिकायती पत्र दिया है। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव जीजोड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संभल में बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया, बिजली कनेक्शन तोड़ने के बावजूद भी किसान को ग्रामीण को बिजली का बिल दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीण ने शिकायती पत्र दिया है, न्याय की गुहार लगाई है। खबर कानपुर देहात से है जहां प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई, पशुओं ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा काटा है। ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही करने का आरोप भी लगा है। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया, बताया गया पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया है। खबर कानपुर देहात से है, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें कि प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई, खबर कानपुर देहात से है, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा काटा है। तो परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है, प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। अकबरपुर, तो ये खबर अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां पर प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई। किसान को मृत दिखाकर जमीन बेची गई, खबर संभल से है जहां पर किसान को मृत दिखाकर जमीन बेची गई, 6 के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। केला देवी थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किसान को मृत दिखाकर जमीन बेची गई, खबर संभल से आपको बता रहे हैं। 6 के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। तो केला देवी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर लखनपुर गांव का ये पूरा मामला है जहां पर किसान को मृत दिखाकर जमीन बेची गई है। खबर संभल से है जहां पर किसान को मृत दिखाकर जमीन बेची गई, 6 के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। केला देवी थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।